Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to another episode of Whiskey Wednesday. कैसा लग रहा हूँ मैं तैयार व्यार होके भाई को शादी की एनिवर्सरी वैसे नहीं है मेरी बस एक मीटिंग के लिए जाना है सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ यार और किसके लिए करूँगा मैं विस्की पी के मीटिंग में जाना वैसे इतना अच्छा आइडिया नहीं है बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज जस्ट फॉर यू गाइज हम कुछ भी कर सकते हैं सो विस्की वेंसडे मेरी आई थिंक सबसे फेवरेट सीरीज में से एक है बिकॉज नॉट ओनली आई गेट टू प्रेजेंट न्यू विस्कीज फॉर यू गाइज मुझे खुद को भी वो विस्कीज टेस्ट करने को मिलती है आई लव टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड आज की डेट में 3 साल हो गए मुझे वीडियोज़ बनाते बनाते तो काफ़ी इंडस्ट्री में भी मेरी अब यू नो जान पहचान बन गई है नाम बन गया है तो मुझे लोग बुलाते हैं अपनी विस्की के बारे में बताते हैं जो नई विस्कीज आने वाली हैं उसके बारे में बताते हैं एंड आई रिमेंबर कि 2021 में मुझे इस विस्की के बारे में पता लगा था जिसका नाम है टेमर लेन जिसे आज हम रिव्यू कर रहे हैं एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस विस्की इन फैक्ट 2022 की मैंने टॉप 5 विस्कीज जो आपको ट्राई करनी चाहिए उसके अंदर भी इस विस्की को डाला था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं पर दिखी नहीं ज़्यादा विस्की ज़्यादा मुझे शेल्फ पर नहीं दिखी तो मैं ट्राई नहीं कर पाया आप लोगों के लिए रिव्यू नहीं कर पाया बट फाइनली आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टेमर लेन स्कॉच विस्की सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस विस्की को लेकर जब मैं इस विस्की के मेकर से मिला कपल ऑफ ईयर्स बैक तो उन्होंने मुझे इस विस्की के पीछे की जो स्टोरी है वो बताई एंड दैट स्टोरी इज दैट दे वेंट टू स्कॉटलैंड टू फाइंड अ ब्लेंड विच इज़ मेड फॉर इंडियन कंज्यूमर्स आज की डेट में हम ऐसी बहुत सारी विस्कीज देख रहे हैं जो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बनी है बहुत सारी विस्कीज आ गई हैं आज की डेट में बट अगर हम ब्लेंडेड स्कॉच कैटेगरी की बात करें तो ज़्यादातर विस्कीज वो हैं जो बाहर चलती आ रही हैं और इंडिया में लॉन्च होती हैं बट दिस इज़ अमंग द फर्स्ट विस्कीज ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जो बनी है सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंडियन पैलेट के लिए उनको ध्यान में रखते हुए एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली टेकिंग द गेम टू द नेक्स्ट लेवल सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विच आई थिंक मैटर्स टू मी इज दैट दिस विस्की इज बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड इटसेल्फ जी हाँ आई थिंक दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज को वन जो बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड होती है जैसे कि आपकी बैलेंटाइंस JNB रेड लेबल और भी है कुछ कुछ विस्कीज इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और क्या डिफरेंस होता है क्वालिटी में उसके ऊपर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं आप जाके देखिए और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है बॉटल्ड इन इंडिया यानी कि टीचर्स 100 पाइपर्स ब्लैक डॉग जो विस्कीज बाहर से आती है और इंडिया में आके बॉटल्ड होती हैं उसमें पानी मिलाया जाता है इंडिया का और उसके बाद उसे बॉटल करके बेचा जाता है टैक्सेस का डिफरेंस भी होता है बट जहाँ तक हमने देखा है कि क्वालिटी का भी डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होता है विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज पर माई टेस्टिंग एंड दिस विस्की इज बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड देन अगेन इट्स अ गेम चेंजर बिकॉज जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो है कि इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है आज की डेट में दिल्ली में आपको 1800 की मिल जाएगी गुड़गांव में आपको 1100 तक की मिल जाएगी विच इज़ अ ग्रेट प्राइस फॉर ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज जो दूसरी विस्कीज आती हैं इस कैटेगरी में उनको आई थिंक की टफ कॉम्पिटिशन दे सकती है एक जो और मुझे अच्छी चीज़ लगी इस विस्की के बारे में एटलीस्ट जो मैं बोलूँगा उससे टेस्ट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बट एक ऑनेस्टी होती है दैट कि जो कंपनी है वो ये नहीं बोलती कि यार ये विस्की ऐसी है जैसे कि आप एक सिंगल मॉल्ट से कम्पीट कर सकते हो या आप इसे यू नो आप इसे आप नीट पी सकते हो दे आर सेइंग दैट दिस विस्की इज़ मेड फॉर मिक्सिंग इसे आप पानी के साथ पीजिए सोडा के साथ पीजिए या फिर इनफैक्ट कॉकटेल्स के साथ भी पीजिए आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली द राइट काइंड ऑफ मैसेजिंग जो लोगों के पास जानी चाहिए आई थिंक आज की डेट में हम देखते हैं कि 600-700 वाली विस्कीज को भी लोग बोलते हैं कि इसे आप नीट पीजिए बहुत अच्छी है बट ऐसा नहीं होता है राइट एंड आई पर्सनली फील कि इस ब्लेंडेड स्कॉच कैटेगरी जो है उसके अंदर भी ज़्यादातर विस्कीज को आप इतनी आसानी से नीट नहीं पी सकते बिकॉज देर इज़ दैट स्पिरिट अरोमा एक थोड़ी सी हार्शनेस फील होती है आपको दे आर नॉट रियली दैट स्मूथ एज कम्पेयर टू सिंगल मॉल्ट्स इट्स नॉट दैट कि इसे आप नीट नहीं पी सकते आप डेवलप नहीं कर सकते टेस्ट बट इट्स नॉट दे आर नॉट रियली मेड फॉर दैट दे आर मेड फॉर मिक्सिंग और ये मैसेजिंग काफ़ी हद तक दे बिलीव इन दिस मैसेजिंग एंड उसी के साथ आगे लेके जा रहे हैं विच आई थिंक आई पर्सनली लाइक बॉटल डिज़ाइन आई थिंक इट्स प्रेटी डिसेंट मिनिमल विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा है द ओनली थिंग विच यू कैन टेल इज दैट कि जो बॉटलिंग है जो बनी है विस्की दैट कम्स फ्रॉम हाईलैंड क्या एक्सपेक्ट करेंगे क्या से हम एक पीटीनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरीके के फ्लेवर प्रोफाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है बॉक्स देख के या बॉटल देख के चलिए टेस्टिंग करते हैं इसकी एंड लेट्स फाइंड आउट कि भाई एक्चुअली में क्या है विस्की के अंदर
जस्ट लिटिल पोर. सो लाइट गोल्डन कलर जो मेरे ग्लास में एटलीस्ट दिखाई दे रहा है. इवन ऑन द बॉटल आई वुड से दैट इट्स मीडियम पेल गोल्ड. चलिए नोजिंग करते हैं. राइट अप फ्रंट आई कैन फील सम अ बिट ऑफ मॉल्टीनेस, अ बिट ऑफ हनी, ऑल्सो अ बिट ऑफ ग्रेनीनेस एक मुझे फील हो रही है ऑन द नोज. ज्यादा स्मोकीनेस या पीटीनेस मुझे फील नहीं हो रही है, बट देर इज डेफिनेटली एक ओक का जो अरोमा होता है, हल्का हल्का ओक वुड का अरोमा, वो मुझे डेफिनेटली आ रहा है. प्रीटी डीसेंट ऑन द नोज, नॉट अ लॉट टू से. अगर नोजिंग की बात करूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बट आई वुड से इट्स प्रीटी डीसेंट ऑन द नोज. लेट्स गेट टू द टेस्टिंग. Definitely, I think I would not. I'm surprised कि इतनी ज़्यादा smooth. Actually, मैं जितनी smooth मैंने expect की थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है. Oakiness का जो element है, oak wood का जो element है, आपको definitely वो feel होगा. You feel that oakiness right up front, और वो काफ़ी देर तक रहता भी है. Subtle सी sweetness है. I would not call this an overly sweet whiskey. It's not like a bourbon mixed with scotch. This is a typical scotch whiskey, a blended scotch whiskey. जो ग्रेनीनेस है वो भी आपको फील होती है, यू डू फील दैट, बट वो जो बाकी फ्लेवर्स हैं उसको फिलहाल ओवर पावरिंग नहीं होने दे रही है. देयर इज अ बिट ऑफ स्पाइस जो आपको फील होता है हल्का हल्का, बट आई थिंक ओवरऑल व्हाट दिस विस्की इज ट्राइंग टू बी इज अ प्रीटी फ्रेंडली विस्की, एक अप्रोचेबल विस्की जो हर कोई आसानी से पी सकता है. There is nothing too complex about this whiskey, and I think इस price range में आप ज़्यादा complexity को expect भी नहीं करते हो, but I think ये एक ऐसी whiskey है जिससे आप soda के साथ as a highball, I think this is going to be a whiskey जो आप काफ़ी ज़्यादा enjoy कर सकते हैं, because इसके जो oaky aroma है, हल्की हल्की जो spiciness है वो ज़्यादा निकल कर आएगी जब आप इसमें आप soda add करेंगे, because fizz के साथ it stays on your tongue. I think एक ऐसी विस्की है जो सेशनेबल है. सेशनेबल एज इन कि अगर आप चार दोस्त मिलते हो तो आप एक बॉटल खरीद सकते हो. अब डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी में, दो भी ले सकते हो. यार हम लोग बुड्ढे हो चुके हैं आज की डेट में. एंड जब चार लोग इस विस्की को पियेंगे तो एक ऐसी विस्की है जिस चारों लोगों को कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस दे सकती है. समबडी माइट एंजॉय दैट वुडीनेस, समबडी माइट एंजॉय दैट सटल स्वीटनेस, और अलग अलग तरह से पीने के लिए भी ये विस्की आई थिंक कैन वर्क आउट. आई फील कि ब्लेंडेड स्कॉच विस्की कैटेगरी में जो ऑलरेडी काफ़ी क्राउडेड है उसके अंदर अपनी जगह बना सकती है, बिकॉज इट इज़ वाइल कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेकर नहीं आई, बट बिकॉज इट इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट इट वॉन्ट्स टू डू प्रीटी वेल. सो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये विस्की बैलेंटाइंस, जे एन बी, रेड लेबल, टीचर्स, 100 पाइपर्स जैसी जो महारथी वाली जो रेंज है उसमें उसकी जगह आप लोगों को ये विस्की ट्राई करनी चाहिए. अगेन मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कोई भी विस्की नहीं आती है तो उनको ट्राई ज़रूर करिए. आई डू थिंक कि ये विस्की अगर कोई इंसान पीता है दे विल एन्जॉय इट, दे विल लाइक द टेस्ट ऑफ इट. बट अगर आपने ट्राई करी है तो आप मुझे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसी लगी बताइए विस्की अगर ट्राई करी है आपने. तो नहीं ट्राई करी तो भाई ट्राई करिए नेक्स्ट टाइम. आई हैव सीन दिस इन दिल्ली एंड गुड़गांव, बाकी जगहों में भी आई एम नॉट श्योर कि लॉन्च हुई है कि नहीं हुई है. होपफुली आने वाले टाइम में लॉन्च हो जाएगी. तो अगर लॉन्च होती है तो अभी तो भाई साल शुरू ही हुआ है. याद रखना इस विस्की का नाम, ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना कि ट्राई करने के बाद आपको कैसी लगी, बिकॉज आई लव ब्रिंगिंग यू गाइज न्यू प्रोडक्ट्स और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी ट्राई कर आपको लाता रहूँ ऐसे प्रोडक्ट्स जो शायद आप लोगों को इतने मेन स्ट्रीम में नहीं सुनाई देते बट यू शुड नो अबाउट दैट. बट अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पियो.